Junoria! मिस्टर कनाडा, मुझे लगा तू कनाडा चला गया होगा। तू कॉलेज में क्या कर रहा है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तू गाना सुनने आया होगा है ना? अच्छे से सुन, रज के सुन, मुझे भी और इलाही को भी। दिल खोल के सुन दोस्त, आखिरी बार जो सुनना है अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो तू कनाडा चला जाएगा, क्योंकि तेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना। सैड। तुझे पता है मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली बुरा नहीं लग रहा, तरस आ रहा है मुझे तुझ पे। मुझे लग रहा है तेरा ना वक्त ही खराब चल रहा है यार। वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? वक्त चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, वक्त बदल जाता है। तुम्हारे किसका बैड लक है ये तो वक्त ही बताएगा, अगर तू सुन पाया तो। पर अभी के लिए तेरा थोड़ा सा गुड लक हो गया, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया हूँ, वरना तेरा तो कोई चांस ही नहीं था। और ये बात तुझे भी अच्छे से मालूम है यार, यहाँ पे सेकंड राउंड की ब्रीफिंग शुरू होने वाली है और जहान और जॉन का कुछ आता पता नहीं है। तो एक काम करेगी, जाके पता कर कि ये दोनों है कहाँ पर, और ये लोग भी मुझे जाने नहीं दे रहे, अदरवाइज मैं ही चली जाती। यार इलाही, मैंने उसको कॉलेज की कैंटीन में, क्लासरूम में, म्यूजिक रूम में, लाइब्रेरी, हर जगह देख लिया है, पर उसका कुछ पता नहीं है। तनी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहान कॉलेज आया ही ना हो? नहीं नहीं नहीं, जहान कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ। हमने ये सफर साथ में शुरू किया था और मैं जहान को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती। मुझे मुझे कुछ करना होगा। anyway, तू जो चाहता था वो हो गया। चल तुझे पता तो लगा कि जॉर्डन जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। अब सुन, जॉर्डन इलाही को चाहता है और उसे हासिल करके रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अब ग्रेट इंडियन वॉइस की ट्रॉफी भी मेरी और इलाही भी मेरी, इस हाथ में ट्रॉफी और इस हाथ में इलाही, लेकिन तेरे हाथ खाली रह गए यार। मेरे खाली हाथ तो तूने देख लिया, लेकिन अफसोस इन हाथों की लकीरें देख नहीं पाया तू। तुझे पता है मेरे डैड ने ना आज सुबह ना मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि खेल खेलने का मजा तभी आता है कि जब आपके सामने वाला खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग। अब ग्रेट इंडियन वॉइस में ना मजा नहीं रहा, क्योंकि जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है वो तो रहा नहीं। आई विल मिस यू ब्रो, जेन्युइनली। नॉट फॉर टू लॉन्ग ब्रो, बिकॉज़ आई विल बी बैक विद द बैंग। ओवर कॉन्फिडेंस, यकीन। चल मैं भी देखता हूँ तेरा यकीन। दिखाना ही तो है मुझे। हायर स्क्रू ड्राइवर रोप, ये करना क्या चाहता है? जॉडी तू यहां क्या कर रहा है? वहां सारे कंटेस्टेंट ऑर्गेनाइजर के साथ बैक स्टेज, तुझे तो वहां होना चाहिए और तू यहां है। सनी सुन, इस मिस्टर कनाडा पे नजर रखना, मुझे लग रहा है कोई कांड करने वाला, जैसे कुछ पता चले सीधा आके मुझे बोलना, समझा? मुझे आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहान इस वक्त यहाँ नहीं है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज चली गई। तो क्या हम लोग ऑर्गेनाइजर्स के पास जाके एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसे एक और चांस दे? सेकंड चांस? कैसे? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये राउंड एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन? दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? हम सब पागल हैं क्या? No way, कोई चांस ही नहीं बनता। इतने सालों बाद हो रहा ग्रेट इंडियन वॉइस कंपटीशन। We know जहान की आवाज चले गई है and we feel sorry for him. But इसमें हमारी क्या गलती? She is right, exactly. उसकी वजह से हम क्यों सफर करें यार? But यार एक हफ्ते से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो आज गाना है भाई एक हफ्ते बाद भी गाना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं किसी ऑर्गेनाइजर से कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भी। सेम हियर। एक मिनट,
एक बात का जवाब दोगे? रब ना करे कि आप में से किसी एक के साथ यही एक्सीडेंट हो जाता तो? अगर आप लोग अपने सपनों को हकीकत देखते हुए सिर्फ एक कदम दूर रहते तो? अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस जाते तो क्या आप लोग भी उस सेकेंड चांस की उम्मीद ना रखते जो जहान रख रहे? माना कि हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्त हैं। और अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? So guys, I request you all कि हम लोग सब ऑर्गेनाइजर्स के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहान को एक मौका दे। तो बताओ कौन है मेरे साथ? कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगा तुम्हारा साथ। सबसे पहले मुझे इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, पर करूं कैसे? सो मैम, प्लीज आप ये राउंड एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हम सब वेट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना गाइस? सब प्लीज, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पे, आई मीन जहान पर। आई थिंक आप लोगों को एक मौका देना चाहिए जहान को। आपको क्या लगा ग्रेट इंडियन वॉयस का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना कोई मजाक है क्या? एक एक इवेंट की डेट महीनों पहले फिक्स हो जाती है और पूरे देश में डेट वाइज प्रमोशन होती है उस इवेंट की। आई एम सॉरी, ये इवेंट किसी के लिए नहीं रुकने वाला, ये उसका बैड लक है। आप लोग जा सकते हैं। सर, अगर एक बार आप लोग प्लीज बैक स्टेज जाइए, थोड़ी देर में सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। इट्स ओके गाइस, वी ट्राइड अवर बेस्ट, और कर भी क्या सकते हैं यार। आई थिंक इट्स चांस बैड लक। लगता कुछ बड़ा ही कांड करने वाला है। इलाही, दिल छोटा नहीं करते यार। I mean, everything happens for a reason. और हो सकता है रब ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा। शायद, लेकिन वो है कहाँ? Come on, guys, line up. Are you ready? Ilahi, you are the first contestant. And pin up your badges, guys. Jordan. आप सभी का तह दिल से स्वागत है The Great Indian Voice के round 2 में. So हमारे contestants भी हमारे साथ हैं और हमारे judges भी. So guys, करें शुरुआत. Cool. So contestants, इस round में आप सभी को perform करने के लिए total 45 seconds मिलेंगे. नहीं जहान, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते. तुम्हें यहाँ आके एक कोशिश तो करनी चाहिए थी. So friends, let's begin the second round of the Great Indian Voice. So, इस राउंड में सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए आ रही है मिस इलाही दोसांझ. Come on, इलाही. We'll be right back.
लाही 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 बाबा जी, जहाँ जहाँ भी है प्लीज़ मेरी आवाज़ उस तक पहुँचा देना। कुछ ऐसा कर देना कि वो यहाँ आ जाए। कहते हैं सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मेरे प्यार में ज़रा सी भी ताकत है, तो जहान को आज दूसरा मौका ज़रूर मिलेगा।